वेलकम टू सारा का किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोतीचूर के लड्डू। इसे मैंने बनाया है बिल्कुल यूनिक तरीके से और एकदम आसानी से मैंने इसे बनाया है, तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए हम लोग अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए 1 कप चना दाल। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 कप चना दाल को 3 घंटे पहले सोख कर लिया था पानी में, तो ये अच्छे से फूल गए हैं। तो मिक्सी की जार में इसे ऐड करके इसे इस तरीके से दानेदार बिल्कुल हमें इसका एक पेस्ट तैयार करना है। बिना पानी ऐड किए हुए आप इसे पीस लें और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच सूजी। तो सूजी से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही बढ़ जाएगा और बहुत ही अच्छा दानेदार बनेगा ये लड्डू। तो सूजी ऐड करने के बाद इसे हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका एक डो तैयार कर लेंगे। और इधर मैंने कढ़ाई में रिफाइंड तेल ऐड किया है और इसे अच्छे से हीट गर्म किया है। तो जैसे आप पकौड़े फ्राई करते हो बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो हमें इसे फ्राई करना है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन, लाइट ब्राउन नहीं करना है। आप इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से फ्राई किया है, चारों तरफ से चलाते हुए इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में। और इधर एक कढ़ाई में मैंने चीनी ऐड किया है चाशनी तैयार करने के लिए। तो 1 कप चीनी लिया है मैंने और इसमें पानी ऐड करेंगे बिल्कुल ज़रा सा। तो पानी हमें इतना ही ऐड करना है कि जो पानी सॉरी चीनी जो है वो अच्छे से भीग जाए। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 इलायची, इसे मैंने ऐसे क्रश करके डाला है। चाहे तो आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है रेड वाला कलर ऐड किया है मैंने इसमें, फूड कलर, इससे इसका लुक और बढ़ जाएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे मैंने अच्छे से चाशनी को रेडी किया है। तो चाशनी में हमें किसी भी तरह की कोई तार की ज़रूरत नहीं है चेक करने की कि तार कितना हुआ नहीं हुआ। तो इधर हमारा जो पकौड़ा है वो बिल्कुल रेडी है, इसे ठंडी हो जाए तो इसे तोड़ करके आप इसे मिक्सी की जार में ऐड कर लें और इसे एकदम दानेदार पीस लें। देखिए इस तरीके से मैंने इसे पीस लिया है, बिल्कुल आसानी से ये पिसा जाएगा मिक्सी में। तो आप इसे पीस लें और इधर चाशनी भी बिल्कुल हमारी रेडी होने वाली है। तो जब चाशनी गाढ़ी हो जाए तभी हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसे यूं ही चलाते हुए चाशनी को रेडी कर लेंगे। तो चाशनी जब गाढ़ी हो जाए, थोड़ी चिपचिपी टाइप की हमें चाशनी चाहिए, तभी हम इससे पीसे हुए मिश्रण जो हमने तैयार किया है इसे ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रहेगा, धीमी आंच में हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे फ्राई किया है लगभग 10 मिनट तक ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे काजू, मैंने बारीक चॉप करके काजू को ऐड किया है। तो ड्राई फ्रूट आप अपने किसी भी का डाल सकते हैं अपनी चॉइस से। और इसे लगभग 8-10 मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पर फ्राई करें, अच्छे से पकाएं ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इससे आप मेरी किसी भी रेसिपी को सबसे पहले देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये मिश्रण है हमारा लड्डू का, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये ड्राई हो चुका है। तो इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी से इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, किसी भी मिठाई में देसी घी ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है। और जब ये थोड़ी हल्की सी ठंडी हो जाए तब इसके हम लड्डू तैयार कर लेंगे। तो बिना किसी टेंशन के ये लड्डू हमारा बन जाएगा। यहाँ पर मैंने किसी तरह का बूंदी का भी इस्तेमाल नहीं किया है, झंझरे में डाल करके मैंने बूंदी भी नहीं बनाया है, बिल्कुल नए तरीके से मैंने मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं और टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी।
तो देखिए सारे लड्डू मैंने रेडी कर लिए हैं। इसका लुक कितना अच्छा आया है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो आप मेरी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए मैं इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ, कितना अच्छा है अंदर से भी, बिल्कुल मोतीचूर के लड्डू जैसा है ये। तो आप इसे बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए दे इजाज़त, तब तक अल्लाह हाफिज़।